तो ये सफर के दरमियान BNN यानी भृगु नंदी नाड़ी के सफर के दरमियान हम और ये सीखते तो जाएंगे, जो मेथड है जो भी है एस्ट्रोलॉजी में वो तो हम करते जाएंगे, साथ साथ में हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद में प्रसाद रूप हमें जो रेमेडीज मिलती जाएगी बीच में, जैसे ऑफलाइन रेमेडी हम कहते हैं, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, उस दिन जो बंदा हाजिर होगा उसी को वो मिलेगी, तो वो बीच बीच में मिलती जाएगी। और इस कोर्स दरमियान शुरू से संदेश मिल चुका है कि कुल देवी या कुल देवता जो भी आपके हैं उनके लिए एक अद्भुत रेमेडी हम आपको देंगे, जो भी है उनके लिए, स्पेशली जिनके घर में वास्तु दोष है या जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नेगेटिव एनर्जी घर में है उनके लिए खास वो रेमेडी दी जाएगी। वो जाके अपने कुलदेवी या कुल देवता के वहाँ करनी होती है, वो रेमेडी हम 4-5 क्लास के बाद में जब गुरु आज्ञा होगी तब देंगे। और उसके साथ साथ में जो भी आदेश होगा जो पुराने लोग जानते हैं वो इस तरह से आपको क्लास के अलावा वास्तु ज्योतिष के अलावा जो रेमेडी होती है वो आपको मिलेगी। तो शुरुआत करें आज के हमारी सफर की, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से भी रिकॉर्डिंग होगी। तो आज सफर के लिए स्क्रीन शेयर, ये स्क्रीन विजिबल है आपको सबको, यस सर। थम्स अप कीजिए, यदि विजिबल है तो आप थम्स अप कीजिए। आज के हमारे दो टॉपिक रहेंगे, परिचय भृगुनंदिनी नाड़ी को हम थोड़ा जानेंगे क्या है किस तरह से है, और फिर ग्रहों के कारक तत्वों को हम जानेंगे। इससे मैं पहले मैं पूछना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, अनम्यूट करके वो बता सकते हैं, जो ज्योतिष के बारे में जिनको कुछ नहीं पता है, ऐसे कुछ लोग हैं? मेरे लिए आउट ऑफ कोर्स टॉपिक है। नहीं, क्या आप नहीं जानते हैं? और ममता जी आप जानते हैं ज्योतिष के बारे में? अनम्यूट करें आप ममता जी, यदि आपको कुछ कहना है तो अनम्यूट करें। मैं भी नहीं जानती। अच्छा, जो नए लोग हैं उनको इतना तो पता है कि ज्योतिष में कुंडली होती है, इतना पता है? हाँ, कुंडली में जी नौ, हाँ हाँ अब म्यूट कर दे अपने आप को, खाली मुंडी हिलाते रहिए। और कुंडली के अंदर 9 भाव होते हैं ये पता है ममता जी, अलका जी? ठीक है। और उसके अंदर 12 राशियां होती है, पता है? 12 राशि का नाम भी पता होगा फिर, ठीक है, चलो इतना काम हो गया। अभी 9 ग्रह होते हैं ये भी पता है? हम सब करें जिनको नहीं पता था, वो इतना पता है ना ममता जी, अलका जी? 9 ग्रह होते हैं बस। और नक्षत्र कितने होते हैं पता है? अनम्यूट करके बता सकते हैं जिनको नहीं पता। 27 नहीं, आप तो मास्टर हैं, जिनको नहीं मालूम है उनकी बात कर रहा27 सर जी। हूँ, वो ठीक है, दूसरों को पूछ रहा हूँ मैं, आपने तो बता दिया, जवाब दे दिया, अलका जी है, ममता जी है, 27 है, 27 बराबर है। इतना सर। इतना आपको पता है तो आपको ज्योतिष का सब कुछ पता है, यू मान लो, ठीक है, हमारे लिए इतना काफी है BNN में यानी भृगु नंदी नाड़ी में, बाकी आगे हम कर लेंगे, हाँ बाहर जुड़ के सब कुछ सीख लेंगे, फिर इतना पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं है तो आप ऑनलाइन कैसे थोड़ा देख लीजिए, कुंडली, 12 भाव, 12 भाव के एट्रीब्यूट, यदि नहीं है आपके पास तो मैं PDF कर दूंगा जो कोर्स के अंदर रहेंगे उन्हें, 12 भाव के एट्रीब्यूट, 12 राशियां होती हैं उसके अपने अपने एट्रीब्यूट होते हैं, गुण धर्म होते हैं, और 9 ग्रह है उनका परिचय होता है, 9 ग्रह से हम क्या देखते हैं कैसे देखते हैं वो तो हम यहाँ पर देख लेंगे अभी। तो जो क्लास में होंगे आगे कंटिन्यू उन्हें फिर उसका PDF मैं दे दूंगा, वो आप स्टडी कर लें, या तो ऑनलाइन भी आज तो बहुत ईजी है, मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़े, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं भृगु नंदी नाड़ी की, तो आप में से कुछ लोग जानते होंगे भृगु नंदी नाड़ी क्या है, जिसको शॉर्ट में BNN कहते हैं, भृगु नंदी नाड़ी, जानते हैं आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे? राकेश जी? नहीं, हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते सर। आप नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो पहली बार इसी जो भृगु नंदी नाड़ी तो पहली बार ही सीखने आए हैं सर।
नहीं सीकर ना जानते हैं आप भृगु नंदी नाड़ी क्या है? ना अजय ना ना जी, नहीं अजय नहीं सर, सिर्फ नाम ही सुना है सर, इसका नाम सुना है सर, मगर जानते कुछ नहीं है इसके बारे में। अच्छा कोई जानता है? देवेंद्र कुमार जी, एस देवेंद्र कुमार जी, हो सके तो कृपया आप कैमरे पे आइए। कविता जी, सर नमस्कार सर, सुनील जोशी है। अच्छा हाँ सुनील मैं भृगु नंदी नाड़ी से थोड़ा बहुत परिचय हूँ। इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, लेकिन इतना इसमें समझता हूँ कि सारे जो ग्रह रहते हैं जी, वो ईस्ट या नॉर्थ या वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में चलते हैं। 1, 5, 9 में जो भी ग्रह वो एक साथ बैठे हैं, 2, 6, 10 में जो ग्रह है वो एक साथ बैठे हैं, 3, 7, 11 में जो ग्रह है वो एक साथ हैं, और 4, 8, 12 में एक साथ बैठे हैं। और फिर इनका जो गोचर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, दृष्टि यहाँ किसकी राशि में बैठे हैं वो, और डिग्री वाइज जब गोचर का जो ग्रह है, तो शादी हो गई तो गोचर का ग्रह शुक्र का साथ या शुक्र की जो डिग्री नेटल चार्ट में है, और गोचर में गुरु जब नेटल चार्ट की जो शुक्र की डिग्री पे आता है तो डिग्री वाइज तब जो इवेंट हैपन होता है। ओके, तो यानी ठीक है, आप इतना थोड़ा सर आप जानते जानता हैं, हूँ। ठीक है, तो बाकी सब नए हैं, बाकी लोग, तो थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा उसके लिए, भृगु नंदी नाड़ी के लिए। ये भृगु नंदी नाड़ी जो है दो अलग अलग विद्या से बनी हुई है, आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सब अपने पास पेन और नोटबुक रखें, क्योंकि यहाँ लिखना काफी होगा। यहाँ हमें केतु को एक्टिव करना है, यदि आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना है आगे तो केतु को एक्टिव करना होगा, तो नोट बनानी होगी आपको, नोट्स बनानी होगी, ठीक है। पीडीएफ तो जो जरूरी होगा वो मैं मिल जाएगा मेरी ओर से, मगर आप जितना राइटिंग में लिखोगे ना तो आपका केतु एक्टिव होगा, तो ज्योतिष के अंदर वो बहुत जरूरी है, केतु का रोल बहुत बड़ा होता है यहाँ। और जिसे इस फील्ड में आगे जाना है या नॉलेज ज़्यादा गेन करना है या प्रोफेशनली आगे जाना है एस्ट्रोलॉजी में, उन्हें केपी और बीएनएन खास पहले यही करना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। उसके बाद आप फिर जो भी कर चाहे कर सकते हैं, जेमिनी है, पराशरी है और बहुत कुछ है, हाँ, मगर बेसिक लेवल पे आप इसे करें, केपी का है, क्योंकि वो शॉर्ट में हो जाता है, आप बहुत फटाफट प्रिडिक्शन भी निकाल सकते हैं, टाइप ऑफ इवेंट भी आप निकाल सकते हैं, तो ये बेसिक है केपी और बीएनएन, जो कि नई विद्या है दोनों। केपी कृष्णमूर्ति जी ने दिए हैं हमें, और भृगु नंदी नाड़ी जो है वो जो है दो अलग अलग विद्या से बनी हुई है, दोनों का संयोजन है। जैसे भृगु संहिता एक है जो काफी पुरानी विद्या है ज्योतिष की, जिसे भृगु ऋषि ने रचित किया है, भृगु ऋषि द्वारा उसे रचित किया गया है भृगु संहिता को। और नाड़ी ज्योतिष एक अलग विद्या है जिसे नंदी ऋषि ने रचित किया है, दोनों की रचना अलग है। इन दोनों विद्याओं का गहन अभ्यास करके दक्षिण के प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री जो थे, श्री आर जी राव ने इन दोनों विद्या का गहन अभ्यास किया, फिर दोनों को मिलाया, उन्होंने समन्वय किया दोनों का, और फिर नाम दिया हमें रुको नंदी नाड़ी के रूप में। एक नया अध्याय हमें मिला, नई शाखा हमें मिली, जिसे रुको और नाड़ी का दोनों का संयोजन है, यहाँ दोनों का मिश्रण है यहाँ, तो इसे इसे भृगु नंदी नाड़ी नाड़ी नाम दिया गया, और ये नई एक शाखा हमें मिली, क्योंकि भृगु संहिता तो हजारों साल पहले की है और नाड़ी विद्या भी हजारों साल की है, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो एक अलग विद्या हमें मिली है वो अभी की है, और उसी की हम अब बात करेंगे, जिससे हम शॉर्ट में प्रिडिक्शन कर सकें, कोई भी इवेंट हमारे जीवन में कब घटित होता है बहुत फास्ट हम कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे यहाँ। तो मैंने अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार इनमें से छुपे खजाने में से मैंने कुछ निकालने की कोशिश की है, और आपको परोसने की मैंने कोशिश करूंगा यहाँ। तो इस विद्या को संकलित करने में मुझे जो संघर्ष के दौरान जो भी मुझे मदद मिली, उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ, मेरे पिछले और इस जन्म के सभी गुरुजनों का मैं आभारी हूँ, मेरे अब तक के सभी
देवतुल्य पितृदेव का मैं आभारी हूं और उसे मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। हम साथ साथ में सीखते जाएंगे थोड़ा 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 करके। तो उसमें देखिए कोई भी विद्या होती है हर एक लोगों का अपना अपना अलग अलग मत होता है वहां। तो कुछ लोग मानते हैं नाड़ी में लग्न की कोई जरूरत नहीं होती, यानी इंपोर्टेंस नहीं होता है। जैसे लग्न यानी पहला भाव, जो लग्न होता है ना हमारे कुंडली में, उसका यह महत्व नहीं होता है। और दशाएं जो होती हैं महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर, उसका भी कोई महत्व यहाँ नहीं है, इस विद्या में नहीं है। ये हम गोचर को लेंगे सीधा कि आज का गोचर क्या है, आज आपके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, वो सीधा आपको बता देंगे। उस ग्रह के हिसाब से आप क्या देखना चाहते हैं, तो वो हम आगे आगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो ये नाड़ी में हम क्या करते हैं कि बच्चों के जन्म के लिए, बच्चों के लिए बृहस्पति को लेते हैं जुपिटर को, शिक्षा के लिए बुध को लेते हैं एजुकेशन, व्यापार के लिए भी बुध होता है, फिर कारोबार के लिए पैसे से लिए पैसे के लिए शनि को हम लेते हैं, विवाह के लिए शुक्र को। तो इस तरह से नाड़ी विद्या में इन ग्रहों से हम उसको देखते हैं। फिर किसी भी ग्रह का आपको विचार करना होता है तो वो ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का स्वामी कौन है, वो स्वामी किस राशि में बैठा है, तो ये सब देखने होते हैं। तो वो हम आगे जाके धीरे धीरे देखेंगे। फिर गोचर का भी इतना ही महत्व है, जैसे सुनील बताया अभी कि गोचर का बृहस्पति है उसको हम देखेंगे, शनि को देखेंगे, तो गोचर का यहाँ काफी महत्व है इस विद्या में। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, यह कार्य तत्व जो होते हैं उसका भी काफी महत्व होता है यहाँ। तो मैं आपको, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि ग्रहों के, देखिए यहाँ एक तो युति महत्व है, नाड़ी में युति का काफी महत्व है, और साथ साथ में कारक तत्व, यानी वो ग्रह का कारक तत्व क्या है, उसके बगैर आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो जिन सिद्धांतों को हमें लागू करना है इस विद्या में, उसमें अहम है कि आपको ग्रहों के कारक तत्व पता होने चाहिए, कौन से ग्रह से हम क्या देखेंगे। जैसे सूर्य है, आप नोट करना चाहें तो करते जाएं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, और ये बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इसी में, हम एडवांस में आगे जाएंगे प्रिडिक्शन करने, तब आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य से हमें क्या देखना है। तो सूर्य से हम पिता को लेंगे, पिता को देखते हैं, संतान भी पिता से ही देखी जाती है, या सूर्य से ही देखी जाती है भृगु नंदी नाड़ी में। फिर सरकारी नौकरी, सरकार, राजा होता है, सूर्य राजा है ना, राजा, गुस्सा, घमंड, फिर बोन यानी हड्डी, हड्डी भी हम सूर्य से लेंगे। फिर मान सम्मान, प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं मान सम्मान, दाई आंख, दोनों आंख नहीं है, दाई आंख, ये याद रखें आप। ये कुछ कारक तत्व मैंने यहाँ दिए हैं जो ये रेगुलर हम यूज करते हैं सूर्य के। मैं यदि फास्ट जा रहा हूं, स्पीड ज्यादा है तो आप बता दीजिएगा, आप इसे नोट करते जाएं, जो लोग नए हैं वो भी। फिर चंद्रमा, चंद्रमा से हम क्या देखते हैं, माता, जैसे सूर्य से पिता, चंद्रमा से माता, बड़ी बहन भी देखते हैं, क्योंकि वो भी माँ समान होती है ना, बड़ी बहन, सासू माँ, यात्रा, ट्रैवलिंग, पानी, बाई आंख, सूर्य में दाई आंख थी, चंद्रमा में बाई आंख, इमोशन, स्थान परिवर्तन,
एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होना, जैसे हम परिवर्तन करते हैं जगह को। तो ये चंद्रमा से हम देखते हैं, मेन मेन में लिखवाया है। ऐसे तो काफी कारक तत्व होते हैं, और जो रेगुलर काम यूज करते हैं वो मैंने यहाँ आपको लिखवाए हैं। फिर मंगल, मंगल से हम क्या देखेंगे? तो मंगल से हम पति, जो लेडीज का चार्ट है आपके पास, फीमेल का चार्ट है, उसमें पति देखा जाता है मंगल से, और भाई भी देखा जाता है। सर भाई छोटा है बड़ा? सब भाई आ जाते हैं उसमें, बड़ा भाई, कोई कोई देखिए, कोई कोई बड़ा भाई सूर्य से भी लेते हैं और मंगल से भी लेते हैं, छोटा बड़ा। इन जनरल वैदिक वास्तु जो हम लेते हैं उसमें छोटा भाई को पकड़ लेते हैं इसमें, मंगल में, और यहाँ आप भाई पकड़ लिया। ऐसा तो बीच वाला भी आ जाता है, तीन भाई है तो बीच वाला भी आ जाता है, छोटा भी आता है। फिर जमीन, जमीन होती है ना, जी गुस्सा, चोट, चोट लगना, चोट भी मंगल से देखेंगे, एक्सीडेंट, जी फिर बुध, बुध से शिक्षा यानी एजुकेशन, जमीन भी बुध से देखते हैं, मंगल से भी देखते हैं, बुध से भी देखते हैं बीएनएन में। व्यापार, छोटा भाई राकेश जी, छोटी जी सर बहन, बुआ, मौसी, जी सर मौसी, मौसी, मदर की मौसी बहन, अच्छा मौसी, हाँ मौसी मौसी, मामा, मामा भी बुध से देखते हैं बीएनएन में। फिर फ्लैट, फ्लैट यानी घर जो होता है ना, फ्लैट, जी फिर नपुंसक, जी बुद्धिमता, इंट्यूशन, पूर्वाभास जिसे हम कहते हैं ना, ये भी बुद्ध से देखते हैं। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर, उससे व्यक्ति यानी स्वयं, हम खुद, सेल्फ, व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, फिर वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, यानी ही और सी, कोई भी हो, उसके लिए यहाँ भृगु नंदन नाड़ी में कॉमन शब्द अभी लिया हुआ है, व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो वो जुपिटर को लिया जाएगा। जीव कहते हैं ना हम, जीवात्मा, जीव, जी तो वो बृहस्पति से हम लेंगे। फिर ईश्वर, भगवान, ईश्वर, प्राणवायु, जी भाग्य, लक, जी भाग्य, भाग्य, भाग्य शिक्षा भी इसी से लेते हैं, शिक्षा, शिक्षा एक्चुअली हायर शिक्षा की जाती है यहाँ, शिक्षा, अच्छा उच्च शिक्षा एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी आप ले सकते हैं। बैंक, बैंक बैंक, बैंक जहां पैसे आप जी जमा करवाते हो। जी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, जी एस्ट्रोलॉजी, समस्त जीवित, जीवित वस्तु जो होती है ना, जीवित समस्त जीव आप लिख सकते हैं जिसमें प्राण है, वो गुरु से देखते हैं। मतलब इसमें आप कीड़े भी आ गए रंगने वाले कीड़े सांप सब बिच्छू कर सब आ गए जिसमें जीव है, समस्त जीव,
उड़ने वाले आ गए कीड़े। सब सब उड़ने वाले, सोने वाले, भागने वाले, सब आ गए। जिसमें जीव है, यहाँ व्याख्या ये है, समस्त जीवित जीव जिसमें जीव है, जान है, वो गुरु से हम देखेंगे, प्राण है ना उसके अंदर, लिविंग लिविंग थिंग्स सर। अच्छा लिविंग थिंग। सर, वो कैसे देखेंगे पेड़? बाप रे, आपके तो प्रश्न है ऐसे, मुझे भ्रू गुरु के पास, ऋषि के पास जाना पड़ेगा। आप पेड़ को लिविंग थिंग्स मानते हैं या नहीं, पहले ये बताओ, मेरे प्रश्न का जवाब आप दीजिए। तो मानते हैं सर, उसमें जीवन है पेड़ में। हाँ तो फिर ले लीजिए ना, पूछते क्यों है आप, है तो है, क्योंकि मैंने अच्छा शॉर्ट में बता दिया, लिविंग थिंग्स जिसमें जीव है वो सब उसमें आ अच्छा जाएंगे। उसकी व्याख्या एक कर सर, लेना। और एक शब्द आ एक गया, एक मिनट उसकी शब्द मुझे आप बताइए राकेश जी, आपके जो नाखून है वो जीवित है या निर्जीव है, ये बताया कोई, बता सकता है तो बता दें, आपके नाखून सर, नाखून। नाखून सब जीवित है, जब कच्चा कट जाता है बड़ा दर्द होता है। बताइए, ये पूरा आंसर नहीं है, आधा आंसर है, आपके नाखून या बाल जीवित है या निर्जीव है, ये बताइए मुझे, कोई बता सकता है, बताइए। यहाँ सब डॉक्टर भी हैं, सब मास्टर भी हैं, यहाँ एडवांस ये हुए सब मास्टर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सर है तो जीवित, जब वो बढ़ रहे हैं तो है तो जीवित ही वैसे, अगर सर अगर सर उनमें जड़ जान ना हो तो बढ़े जड़ कैसे? सर सर जड़ से जीव है, मतलब अपने रूट से, मगर बाहर निकलने के बाद वो निर्जीव हो जाते हैं। ये सही 100% आंसर है, जब तक वो जड़ में है तब तक जीवित है, जड़ निकल गई वो निर्जीव है, बाल को आपने काट दिया निर्जीव है, वो बढ़ेगा नहीं, नाखून को काट दिया वो बढ़ेगा नहीं, जब तक जड़ में है तब तक जीवित है। उसी तरह जैसे देखिए, मैं कहां की बात को कहां जोड़ रहा हूं देखिए आप, उसी तरह आप कितने भी भगवान को पूज लो कुछ नहीं होगा, जब तक आपके कुल देवी कुल देवता की जड़ में आप नहीं जुड़ोगे, ये सत्य है, समझ लिया, कहां से कोरिलेट हो गया, कहां से, मैं कुल देवी के पास क्यों भेज रहा था राकेश जी, जब जी सर, तक आप जड़ से जुड़ोगे नहीं कोई भगवान आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, ये तथ्य है, ये सनातन सत्य है, कोई बताए न बताए, बाल जब तक जड़ में है जीवित है, काट दिया तो कोई वैल्यू नहीं है उसको, कोई नहीं पूछेगा। अमिताभ बच्चन के बाल देखिए, एक स्टाइल थी ना उस समय, उसको काट के फेंक दिए नीचे, उसका कोई कीमत नहीं है वहां, इसलिए बाल और नाखून जड़ से जीवित है, या इंसान भी जब तक जड़ में है तब तक जीवित है, जड़ से उखड़ गया तो वो हैवान है, ये शॉर्ट में इसकी परिभाषा है, भृगु नंदी नाड़ी में इतने आपने सीख लिया, 5,500 रुपये वसूल हो गए, और यही अरे हम साहब पैसे की बात मत करो साहब, पैसे तो आपका कुछ है ही नहीं। तो यही हमें सीखना है, अभी तो शुरुआत है, पहला ही है, आखिर तक जाएंगे ना तो गुरुजन हम हमें क्या क्या देंगे आपको पता नहीं है सर, सोने के खाने भी उसके सामने कुछ नहीं होगी, उतना आपके पास होगा, ये मेरा वादा एक सर वो रह गए साले, किसमें आएंगे जीजा, किसमें आएंगे साले और जीजा? है। साले साले के तो कुछ लेना है क्या आपको? अरे नहीं, हाँ सालों से दुनिया परेशान है। और आप सालों को याद कर रहे हैं, देखिए। नहीं सर, हमारा साला तो बहुत भला है सर। अरे सर आप भी इतनी किस्मत वाले सब थोड़ी रहते हैं। धृतराष्ट्र के साले ने सर उनका नाम अलग भाभी करवा जी दिया। साथ अरे बैठी होंगी इसीलिए साले की तारीफ कर रहे हैं। हो नहीं सकता सर, ऐसी बात नहीं। है। चलो आगे आगे कभी आते सर जाएगा, आगे आगे चले आगे कह रहे राकेश थे जी, धृतराष्ट्र। जी सर, यस सर, शुक्र पे बड़े आगे, शुक्र जी सर, पत्नी, पत्नी पत्नी आई है तो अभी साला भी आएगा कहीं ना कहीं। बेटी ठीक है, शुक्र से बेटी भी देखते हैं और पत्नी भी, बहन भी आती है शुक्र से, धन पैसा जवेरात ज्वेलरी गाड़ी बंगला, फ्लैट बूथ से आता है, बंगला जो होता है, बंगला या इस तरह से लग्जरियस जो जिसके हम नॉर्थ में कोटी बोलते हैं, तो बड़े बड़े बंगले होते हैं वो शुक्र में आते हैं,
और फ्लैट होता है चाहे टू रूम का हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, वो बुध में आएगा। ये डिफरेंस आप याद रखें। अच्छा हाँ, फिर लग्जरी, कंफर्ट, ये सब शुक्र से आते हैं। बड़े आगे, किसी जी सर, को समझ ना आ रहा हो तो हैंड राइज करें, ठीक है? और मैं यदि स्पीड में जा रहा हूं तो आप बताएं। अभी शनि महाराज की ओर, शनि, चाचा, पिता के भाई, छोटा हो या बड़ा हो, फिर बड़ा भाई राकेश जी, जी सर, बड़ा भाई जो है वो शनि से देखते हैं, चाचा को भी शनि से देखते हैं, ताऊ जी, फिर मकान प्रॉपर्टी जो आपकी जमीन जायदाद होती है ना वो शनि से देखते हैं, प्रॉपर्टी जमीन पड़ी हुई है, 100-200 एकड़ पड़ी है, 500 एकड़ पड़ी है, राकेश जी, तो जी सर, वो शनि से देखा जाता है प्रॉपर्टी को। फिर राजनीति में, राजनीति, जेल, कारागर जैसे कहते हैं ना, कारावास, दुख, दर्द, पीड़ा, ये शनि से देखे जाते हैं। फिर चलते हैं राहु की ओर, राहु से। सर हाँ शनि में, शनि में जी, हॉस्पिटल भी आ गया, हॉस्पिटल आ गया सर, दुख दर्द उसमें। नहीं, आगे आएगा, देखो अभी अच्छा मैं 9 प्लैनेट कंप्लीट कर लूं, फिर कुछ छूटता तो पूछिएगा। चले राहु, दादाजी, विदेश यानी फॉरेन, फॉरेन जिसको जाना है, राहु बहुत अच्छा होना चाहिए। राजनीति, जेल, शनि से भी देखते हैं, राहु से भी देखते हैं, पुलिस स्टेशन, टेक्नोलॉजी, तो आईटी वाले होते हैं ना, आईटी सब इसी में आते हैं, मृत्यु, षड्यंत्र, चालाकी, होशियारी जैसे कहते हैं, चालाकी, जीवन की शुरुआत होना, यानी किसी भी चीज को हमें स्टार्ट करना है ना, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, जीवन की शुरुआत, यानी कोई भी चीज की शुरुआत, जैसे बच्चे का जन्म होना, बच्चे का जन्म होना, तो शुरुआत हो गई ना उसकी जर्नी की, वो राहु है। जब अगर किसी इंडस्ट्री की शुरुआत करें, इंडस्ट्री की, तो जो भी इसी में कोई आएगा। भी नई शुरुआत, कोई भी चलो हॉस्पिटल, आ गया जवाब आपका राकेश जी। फिर जी सर, जी सर, जी रोड, रास्ते होते हैं ना, रास्ते, सर, कैसे रक्त? रोड, रोड, रास्ते, अच्छा मोह माया, एक सर, रोड से पहले कुछ बताया था, नई चीज की हॉस्पिटल, शुरुआत। हॉस्पिटल बताया था, अच्छा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, उसके बाद रोड, फिर मोह माया, फिर सीबीआई, खुफिया एजेंसी रहती है ना सारी। इसका ज्यादा जोर है इससे मजा। हाँ, अभी ज्यादा जोर है, एजेंसियां रहती हैं वो। फिर सर, सर यानी हमारा हेड, माथा, ये राहु भाई, सबको समझ में आ रहा है?
हाँ, नहीं तो मैं फिर अपनी गाड़ी आगे लेके जाऊंगा, आप उसी स्टेशन पे खड़े हुए हैं, पता चला पीछे कोई नहीं है, मैं आगे अकेले जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, तो सब सब में समझ में आ रहा है, नहीं आता है तो थम्स अप करें आप या मुझे रोकें। ठीक है, आगे बढ़े, केतु की ओर बढ़ते हैं, लास्ट वाला। राकेश जी जी सर, मामा अब सुनिएगा, मामा, भांजा, साला, साला हमेशा काटता ही है, केतु का काम है ना काटना, वो तो काटता ही है हमें। नाना नानी, यानी देखिए मामा आ गया, भांजा आ गया, नाना नानी का पूरा जो परिवार होता है ना मोस्टली वो केतु से देखा जाता है, नाना नानी मामा भांजा, फिर पुजारी, मंदिर के पुजारी होते हैं ना, ज्योतिष, जिनको ज्योतिष बनना है उनका केतु अच्छा होना चाहिए, वकील, डॉक्टर, जो भी यहाँ डॉक्टर है उनका केतु आप चार्ट में चेक करें, बहुत ही अच्छा होगा। केमिस्ट, डॉक्टर नहीं बनेगा तो वो केमिस्ट बन जाएगा फिर। राहु क्या था, जीवन की शुरुआत, केतु जीवन का अंत, यानी लाश, डेड बॉडी, अंत हो गया ना, केतु अंत करता है हमसे। सन्यासी, वैराग्य जिसे हम कहते हैं ना, सन्यासी, कम होना, यानी रिड्यूस, किसी भी चीज को आप रिड्यूस करोगे ना, कम करोगे, वो केतु में आता है। भतीजा कुत्ता, किस पे है? भतीजा कुत्ता, अलग होना, अलग होना, वियोग, वियोग जैसे कहते हैं ना, अलग हो गए, अलग अलग होने अलग होना, अंत होना, मोक्ष, विजय, विजय, सरकारी नौकरी, ये सब अंत होना और विजय दोनों एक संग कैसे हो जाएंगे साहब? हाँ अंत भी हो रहा है, विजय भी हाँ दोनों साथ में ना, ना अलग अलग लिखे हैं, अंत होना, किसी भी चीज का अंत हो गया, ठीक है, और विजय हो गया, मान लो आपकी किसी के साथ झगड़ा था और आप जीत गए, मान लो कोर्ट केस चल रहा था आप जीत गए, तो रहे। अंत हो गया उसका, उस मैटर का तो अंत हो गया ना, फिर हाँ, उसमें टकंत हो गया। मैं कहीं गलत हूं तो बताना। मतलब कोई भी मैटर जो फाइनल डिसीजन हो जाए। अच्छा, अंत हो गया उसका, समझो आपके मेरे बीच में कुछ विवाद था, सॉल्यूशन हो गया, तो उस मैटर का अंत हो गया, वहां उस विवाद का वहां अंत हो गया, मोक्ष हो गया, अंत हो गया, जीवन से छुटकारा, जन्मों जन्म के चक्कर से छुटकारा। कुछ लोग चाहते हैं मोक्ष, चाहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं मोक्ष, मगर हमारे हाथ में थोड़ी है। आपके ऐसे बहुत सारे हैं लाइन में हाथ खड़ा करने वाले हैं, मोक्ष वाले बहुत हैं यहाँ, सबको मोक्ष चाहिए, तो वो क्या दुकान में मोक्ष मिलता है क्या भाई, कैडबरी दे दिए, डेयरी मिल्क दे दिए, 5 रुपए की, मिल जाए, बहुत लाइन में है, तो काफी लोग हंस रहे हैं, मोक्ष वाले बहुत जी है यहाँ, जिनको मोक्ष चाहिए, क्या किसी। जी तो ऐसे थोड़ी मोक्ष मिलता है। हाँ, कुछ नसीबदार लोग होते हैं, मिल पिज़्ज़ा जाता है। पिज़्ज़ा भी चलिए, होता है तो ना सर, कैंची, कैंची भी कैंची, केतु होता है ना सर, कैंची, कैंची केतु होता है ना सर, काटर बोलते हो, हाँ वो काटता है ना, काटने का काम कैंची यही करेगा ना। कैंची कहाँ थे हम, सरकारी सर, नौकरी,
सरकारी नौकरी लिखा सरकारी नौकरी जी 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 फिर झंडा, झंडा झंडा यानी फ्लैग झंडा सरकार का है ना, तो जिसका केतु अच्छा है वो राजनीति में भी जा सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी गाड़ी रहेगी, आगे झंडा रहेगा। प्लीज म्यूट रखें, प्लीज म्यूट करें, ना। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। फिर छुपा हुआ ज्ञान, नॉलेज, छुपा हुआ ज्ञान, नॉलेज, पासवर्ड, छुपा हुआ रहता है ना पासवर्ड, किसी को थोड़ी बताओगे आप। पासवर्ड जो होता है ना, चाहे एटीएम का हो या जो भी हो, वो भी केतु से देखा जाता है। सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म चीजें होती हैं, छोटी छोटी। फिर हम मंदिर भी इसी से देखते हैं, मंदिर केतु से, मंदिर, आश्रम, फिर धड़, बॉडी का जो धड़ होता है ना शरीर, ये नेक के नीचे का पूरा जो पार्ट हमारा बॉडी का होता है, वो जिसे हम धड़ कहते हैं, आप अपने अपनी भाषा में जो कहते हैं वो लिख दें, गले से नीचे का पार्ट, ऊपर सर जो होता है राहु होता है, ये तो गले से नीचे होता है, तो आप अपने लैंग्वेज में जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फिर कोना यानी कॉर्नर, कोना यानी कॉर्नर, तो जैसे किसी का मकान कॉर्नर में होता है, रोड के एंड में होता है ना किसी का मकान, दो रोड है बीच में है, या रोड के एंड में आ गया मकान, कोने में, जैसे हम कहते हैं ना कोने में है, तो वास्तु में आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि भाई उसको केतु देख के बता सकते हैं, चार्ट देख के, भाई आपका घर कोने में है क्या, आपका घर यहाँ है क्या, वो आप बता सकते हैं, कॉर्नर में है क्या, इस तरह से। फिर पूंछ, बंदर की पूंछ होती है ना वो पूंछ, हनुमान जी, गणेश जी, ये केतु से देखे जाते हैं। तो ये थे कारक तत्व, मैंने कुछ जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं वो मैंने आपको लिखवाए हैं, आप सर्च करोगे तो शायद इससे भी ज्यादा मिल जाए, तो आप नोट में ऐड करते जाना, ठीक है, और किसी के पास इससे भी कुछ ज्यादा है तो ग्रुप में डाल देना, जो लोग इस प्रोसेस में आगे हैं उसको ग्रुप में डाल देना, ताकि एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो सके, कुछ मिसिंग हो सकता है मेरे से, सब तो नहीं आ तो सकते, सर आपको सर अगर बोल मिल, रहे गए जीजा रह गए जीजा जी। जीजा जी रह गए, हाँ इसमें नहीं आए क्योंकि किसमें तुम लेंगे। मामा भांजा साला नाना नानी के बताए तुम जीजा रह गए। जीजा कहाँ से लेंगे आप, कोई बता पाएगा। 9th 9th हाउस सर, हाँ जी, 9th, कौन से नाइन प्लानेट से, नाइन नंबर सर, कौन से प्लानेट से जीजा को देखेंगे, राकेश जी का प्रश्न ये है, तो हाँ बताइए, आपने तो आपने किया है ना, सुनील जी, हाँ जी, जीजा, जीजा जी तो सर सही में, उनको उनको जीजा चाहिए अभी, देखो साला तो मिल गया, अभी जीजा के पीछे पड़े हैं। सारा मिल गया है। हाँ साला, साला मिल गया, नहीं तो उनको जीजा चाहिए, अब जीजा कहाँ से रहेंगे बताइए आप, कोई है, नरेश सर गुप्ता जी, केतु ही होगा सर। कैसे ही होगा सर, जी चलिए लिख दीजिए केतु, नहीं आइडिया सर, केतु लिख लें सर केतु में। लिख लीजिए, लिख लीजिए, कुछ सुधार होगा तो वही बोलेंगे, लिख लीजिए। आचार्य जी भतीजा कहाँ से आएगा, भतीजा अरे भाई भतीजा को कोई ढूंढे अभी, भतीजा कहाँ है, सनी सनी सही रहेगा, चाचा है तो भतीजा भी वही मिलेगा।
अच्छा कुछ ऐसे हम चाचा मामा भांजे को ढूंढते जाएंगे तो पूरा क्लास हमारा ये खत्म हो जाएगा ना। आप कुछ रह गया है तो आप ढूंढ लेना सही है। या व्हाट्सएप में डाल देना, कहाँ से हाँ नहीं मिलता है आप तो हम दिखा देंगे यहाँ, ठीक है। सर, सर हाँ जी सर, ये था जो अपना स्पाइन रहता है, वो स्पाइन स्पाइन सर कहते ही रहता है ना सर, जी, स्पाइन। तो ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि हजारों वो आते हैं कारक तत्व एक ग्रह के, तब तो एक तो पॉसिबल नहीं है। जी जी सर तीसरे से पांचवा भतीजा होगा, हाँ भाई का जी बेटा है, हाँ भाई का बेटा है तो तीसरे से पांचवा भतीजा होगा, तो सातवां घर भतीजे का है और सातवां घर जो है शनि का है, जी तो हमें लगता है कि सर भतीजा शनि होना चाहिए, या काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सातवीं राशि की आती है तो वो शुक्र की आती है, तुला राशि, तो या तो शुक्र होगा या शनि होगा। एक काम करें आप, है ना, थोड़ा सर्च करें, फिर जो आता है वो आप देख लें, ठीक है। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ मिसिंग है, छूट सकता है, तो सर ये एक लॉजिक तो एक एक सही एक है प्लानेट आपका, के कई कार्य तत्व हो सकते हैं, हजारों, ठीक है। तो उसमें से आप देख लें, कुछ मिसिंग है तो ग्रुप में डाल दें, मैं डाल दूंगा, जवाब दे दूंगा। थोड़ा एक्सरसाइज तो आप भी करोगे ना, तो ये तो एक्टिव तो ही होगा ना, नहीं तो मुखौटा हो जाएगा। फिर तैयार मिल गया सब कुछ तो आप एक्टिव नहीं होगे, आप ढूंढोगे नहीं, ढूंढोगे नहीं तो फिर केतु एक्टिव कैसे होगा। तो कुछ चीजें मिसिंग हैं, तो कुछ चीजें मिसिंग की गई हैं ताकि हमारा माइंड थोड़ा चल सके, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है पिछले कुछ कोर्स में कि तैयार मिल जाता है ना, तो फिर वो माइंड जितने एक्सरसाइज नहीं करता है वहां, तैयार पीडीएफ मिल गया। क्यों राकेश जी, कितने पीडीएफ दिए हैं किस मैंने, कितने पीडीएफ दिए मैंने आप सब लोगों को। बहुत सा बेशुमार। हाँ, तो वहां फिर क्या होता है, रेडीमेड मिल जाता है तो वहाँ एक्सरसाइज नहीं हो पाती है फिर। तो यहाँ अभी थोड़ी हमें एक्सरसाइज करनी है, हमारा क्लास लेट चले कोई वादा नहीं, दो क्लास और बढ़ जाएंगे कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप ही को सब कुछ करना है यहाँ। आप एक प्रिडिक्शन आप ही को करनी है, मैं तो आपको रास्ता दिखा दूंगा, पर हर एक का चार्ट हम लेते जाएंगे, करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मिसिंग है, आप सर्च करें, ग्रुप में डालें, और जो डालेगा उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग यानी स्पेशल प्रार्थना की जाएगी, भाई ये बंदा एक्टिव है, चलो भगवान से या गुरुजनों से इसके लिए प्रार्थना करें, ठीक है। तो हमने यह सारे कारक तत्वों को जाने, जो मिसिंग है आप निकाल लीजिएगा, मेरी ओर से जितना बना उतना मैंने आपको दिया यहाँ, ठीक है। तो सारे ग्रहों के कार्य तत्वों को हमने यहाँ जाना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है बीएनएन में, युति, अब हम ग्रहों की युति को आगे देखेंगे। युति का मतलब क्या है, दो ग्रह एक साथ बैठे हो या उसका किसी भी तरह से संबंध बनता हो आपस में, दृष्टि से या राशि, एक दूसरे की राशि में बैठे हो या साथ में बैठे हो, युति तो इसी को कहते हैं ना, सब लोग जानते हैं ये युति क्या होती है। ममता जी, अलका जी, युति यानी दो ग्रहों का साथ में बैठना, समझ रहे हैं आप, या किसी भी तरह से दृष्टियां होती है जो एक दूसरे को देखना, ज्योतिष के अंदर जो दृष्टियां होती हैं, तो किसी भी तरह से वो युति बनती है एक दूसरे के साथ, उसे युति कहते हैं। दोस्त से ज्यादा भी हो सकते हैं। दोषी ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तीन चार, मगर हम दो दो की गिने हैं तो उसकी, दो ग्रह साथ में बैठे हैं या तीन ग्रह साथ में बैठे हैं तो दो दो की युति बनाएंगे हम। सूर्य चंद्र मार्स तीन साथ में है तो सूर्य चंद्र की, चंद्र मार्स की, इस तरह से सूर्य मार्स की दो दो की युति, यानी इस तरह से युति बन जाती है, वो एक साथ बैठते हैं या एक दूसरे की राशि में बैठ सकते हैं, वो हम आगे फिर देखेंगे। पर युति को पहले समझ लें, युति क्या होती है, वैदिक की युति और यहाँ पे जो युतियां हैं वो अलग है, वो जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। मेनली क्या होती है, दो ग्रह एक साथ एक ही राशि में बैठे हो तो वो युति है, हम इसे युति मानते हैं, ठीक है। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, दो ग्रह एक ही राशि में बैठे हैं, दो या दो से अधिक एक ही राशि में है तो वो एक पहली युति हो गई, नंबर एक, उसे भी युति कहेंगे हम, ठीक है। फिर दूसरी युति यहां पर भृगु नंदी नाड़ी में है, दूसरी या बारहवीं, जो प्लांट की हम बात कर रहे हैं उससे दूसरा यानी उसके आगे, वो दूसरा हो गया,
बारवा, या उसके पीछे वाला जो भाव होता है वो तो बारवा है ना, राशि जो भी आप ग्रह बात करें उसके पीछे वाला बारवा है, आगे वाला दूसरा है, यानी उसे 2-12 की युति कहते हैं। नाड़ी लिंक में उसकी लिंक बन गई है, 2-12 की लिंक। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट पे समझाऊंगा, मैंने पहले आप जो पॉइंट लिख लें, 2-12 यानी दूसरे में एक प्लानेट बैठा है आगे तो भी उसकी युति हो जाएगी उसके साथ, उसके पीछे भी यदि कोई प्लानेट बैठा है तो उसकी भी युति हो गई, समझे आप? तो ये एक लिंक बन जाती है। फिर तीसरी, तीसरा प्रकार जो होता है युति का, वो त्रिकोण युति होती है, जैसे 1, 5, 9 ये राशियां हैं। ये 1, 5, 9 हाँ त्रिकोण होता है ना, जी 1, 5, 9। अब देखोगे ना ट्राइंगल बनेगा, ये राशि की बात कर रहा हूं। अब भाव को भी देखोगे ना, पहला भाव, पांचवा भाव, नौवा भाव, इसे हम त्रिकोण कहते हैं ना। तो यहाँ राशि की बात हो रही है, 1, 5, 9, 2, 6, 10। अब ट्रायंगल बन जाएगा वो, 3, 7, 11, फिर 4, 8, 12। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा पूरा। तो ये युतियां बन गई, तो इसको भी कॉम्बिनेशन आप पकड़ेंगे, युति पर बनाएंगे। मानो कि पहले पहली राशि में कोई ग्रह बैठा है और पांचवी राशि में है, तो उसके लिंक बन जाएगा वो उस दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ वो युति में माना जाएगा। तो ये 2 ग्रहों के बीच में नाड़ी लिंक बन जाती है, इसे लिंक कहते हैं। और ये अति महत्वपूर्ण है, यदि नाड़ी लिंक नहीं बनती है भृगु नंदी नाड़ी में तो कोई भी घटना घटित नहीं होगी। मैं आपको वो चार्ट में दिखाता हूं, एक मिनट, मैं लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूं हमें युति किस तरह से देखनी है। एक तो ये समझ में आ गया हमें कि 2 या अधिक प्लानेट एक ही राशि में बैठे हैं तो वो युति हो गई, ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी मैं आपके सामने कुंडली शेयर करता हूं, सर आपका आवाज चला गया सर, सर आप म्यूट है सर, आप म्यूट है सर। हाँ मैं कुंडली निकाल रहा हूँ, जरा एक मिनट, एक मिनट, हाँ सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। और इसके लिए पराशर लाइट जो है वो आप डाउनलोड कर लेना, जिन्होंने नहीं किया है। पराशर, पराशर लाइट, हाँ जूना वर्जन भी चलेगा, 7 पॉइंट वाला भी, अब नया तो 9 वाला है, वो तो पेमेंट पेएबल है। ये जो है ना, ये एक चार्ट है, एग्जांपल चार्ट है, ठीक है। किसी भी कुंडली इस तरह से रहेगी, समझ में आ रहा सबको? ये कुंडली हमारे सामने, एक एग्जाम्पल चार्ट मैंने लिया है। तो इसमें हमें युतियां किस तरह से देखनी है वो हम देखेंगे। यहां देखिए, जैसे कि पहली युति ये है, एक ही राशि में ये 3 प्लैनेट है ना जी, तो ये युति हो गई जी, विनस सैटर्न मर्क्यूरी, ये इनकी युति हो गई, विनस और सैटर्न की हो गई, मर्क्यूरी सैटर्न मर्क्यूरी विनस, ये एक युति होगी, पहली युति इसे कहते हैं। एक ही राशि में एक 2 से अधिक राशियां, 2 से अधिक प्लानेट है, ये एक युति हो गई। इतना समझ में आ गया? बराबर है राकेश जी जी? सर, हाँ जी सर, नीपुण जी, जी सर, ठीक है। दूसरी जो है 2-12, मैंने आपने बताई ना,
12 की ज्योति, 2 12 यानी हम ये एग्जाम्पल में सूर्य को लेते हैं, ये यहाँ पे सूर्य को लिया हमने एग्जाम्पल, तो सूर्य से 12वां कौन सा हो गया? तो शुक्र बुध और शनि। ये 12वां हो गया शुक्र, इसके पीछे यानी 12वां हो गया ना, सूर्य से जी 12वां ये मर्क्यूरी वीनस सैटर्न, ये इनकी युति हो गई। और दो यानी ये एक और ये दो, तो ये 2 12 की युति कहलाएगी। यहाँ 12वां हो गया ये राकेश जी, जी सर और ये दूसरा हो गया, तो मानो सूर्य के साथ ये मंगल की भी युति यहाँ हो जाएगी, ये दोनों साथ में है ऐसा माना जाएगा। पर सर एक इसमें तो इसमें से ये मरकरी और केतु और मरकरी और सूर्य इसकी भी हो गई युति इधर को। अच्छा हाँ, इस पे हम अभी एग्जाम्पल के यहाँ सीख रहे हैं, ठीक जी सूर्य की 2 12 की युति कौन सी होगी? दूसरी की ये हो गई सूर्य के ओके साथ, ये तो इसकी युति मानी जाएगी सूर्य और हाँ मार्स की। अभी इसका रिजल्ट कितना आएगा? 90% इस युति का। अच्छा इसका कितना है? 100%। अच्छा एक ही राशि में जितने प्लानेट है इसकी युति 100%, ये दूसरी 2 वाली ये 90%, और ये जो है 12 वाली इसका 25% रिजल्ट मिलता है। ये सूर्य मर्क्यूरी सूर्य विनस जो है ये, हाँ सर एक बार सर हम लिख लें। लिख लीजिए आराम से लिखें। ये 2 12 की युति पहले समझ में आ गई आपको? जी हमने एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य को लिया है, उसका 2 यानी मार्स, 1 2 आगे इस तरह से बढ़े तो ऐसे जाएंगे ना, हम इस तरह से बढ़ेंगे ना, ग्रह इस तरह से चलेंगे ना। तो मैं सर यो कह सकते हैं जो जिस हाउस में प्लेनेट से अगले हाउस में सेकंड हाउस वाला हो गया हाँ उससे हाँ पीछे वाले पीछे ट्वेंटी वाला, फाइव हाँ तो हाउस वाला हो ये गया। इसको, हाँ इसको 2 12 की युति कहते हैं। ये 2 हो गया जी आगे वाला और ये पीछे वाला, जी मगर इसकी जो ताकत होती है 90% होती है यहाँ इस युति की, जो रिजल्ट ताकत होगी, और इसका 25% मिलेगा रिजल्ट आपको यहाँ इस युति का। इसको आप अपना पास्ट कह सकते हो, ये जो है इस ग्रह का ये पास्ट है यानी भूतकाल है, ये इसको आगे इस तरह से जाना है, वो जाके किसको मिलेगा? मार्स से मिलेगा, ये भविष्य है इनका, यहां से होके वो आया है, यहां आया है। आप सब समझे, यहां से होके ये प्लानेट यहां आया है यानी ये पास्ट है उसका, और इसका भविष्य क्या है? फ्यूचर मार्स, यानी उसको यहां से ऐसे आगे जाना है। तो ये युति का जो रिजल्ट है वो 90% होगा, इसका जो है वो 25% होगा। ये युति, ये इतनी समझ में आ गई युति? जी सर सर इसमें राहु का युति में कैसे रहेगा? वो रेट्रो चलता है तो। हाँ 1 मिनट, अभी रेट्रो को ना छेड़े, अभी सीधे को देखना भी मुश्किल हो रहा है लोगों को, आप रेट्रो ना छेड़े अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर वो रेट्रो का टॉपिक हम आगे लेंगे, एक अलग से चैप्टर पूरा क्लास लेंगे उसके लिए, रेट्रो प्लैनेट को किस तरह से देखा जाता है उसको हम, क्योंकि कोई कोई ग्रह तो रेट्रो भी होंगे ना, आगे जाके देखेंगे उसको भी। जी, ऐसा जरूर नहीं है राहु के, तो शनि भी रेट्रो हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, बुध भी हो राइट सकता है, कोई भी हो सकता है। राइट राइट राइट, तो उसके सही लिए बात अलग अलग से हम चैप्टर जब थोड़ा सेट हो जाए, समझ में आ जाए, उसके बाद में हम थोड़ा मैच्योरिटी आ जाए ना, बाद में हम रेट्रो पे जाएंगे, उसके लिए अलग से पूरा क्लास होगा रेट्रो के लिए, वो आप चिंता ना करें। ठीक है, अभी ये युति आपको जी समझ में आ सर। गई सबको? इसको 2 12 की युति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 1 5 और 9, जैसे मैंने आपको बताया राकेश जी, एक मिनट सर इसमें इसमें डिग्री का कोई महत्व नहीं है डिग्री का। यहाँ अभी डिग्री नहीं ले रहे हैं, डिग्री अच्छा के बगैर, देखिए डिग्री के बगैर भी आप BNN कर सकते हैं और डिग्री के साथ भी आप BNN कर सकते हैं, हम दोनों करेंगे, मगर अभी डिग्री को ना छेड़ें। ठीक है सर अभी हम केजी में हैं, 5th का लेसन की बुक अभी नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है मैं एक जी एक स्टेप करके आपको आगे लेके जाऊंगा, डिग्री पे भी लेके जाऊंगा। हाँ ये युतिया में जो है ना, ये जो बैठे हैं प्लानेट, इसकी जो डिग्री में भी काफी महत्व है, मगर वो हम आगे देखेंगे। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन बनेगा, युति बनेगी, इसकी इसकी युति बनेगी, कितने डिग्री पे है, ये 3 में से इसकी कौन सी डिग्री पहले ली जाएगी, कौन सी युति पहली होगी, ये सब हम आगे देखेंगे डिग्री से। ठीक है, वो सब हम
धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा प्लेन समझ लें एकदम सिंपल सी भाषा में कि युतियां कौन सी है। इसे नाड़ी लिंक भी कहा गया है, ये 2-12 की लिंक बन गई। जी एक्सक्यूज मी सर, कौन है, सर अपना आपने जो बताया नाम बताइए प्लीज। जल का, एक मिनट जी, जो आपने बताया कि 25% और 90%, तो जो पास्ट है वो 12th हाउस को आप पास्ट बोल रहे हैं फ्यूचर। और सेकंड को आप फ्यूचर बोल रहे हैं, एंड एट प्रेजेंट जो है वो ओके, तो वो जो पास्ट वाला है दैट विल बी 25%। जी, इसका 25% रिजल्ट आएगा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वो आया है। अभी भविष्य से आपको कुछ सीखना ही है सिर्फ, इसका और कुछ मदद नहीं मिल सकता है। आपका एक्शन जो होगा यहाँ होगा। अभी पास्ट, 12th नेक्स्ट हाउस में, हाँ नेक्स्ट पास्ट में हाउस जो आपने सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस आपका हुआ है, वो आपके साथ है, उसका सपोर्ट आपको 25% रहेगा। आपको अभी स्ट्रगल करना है या जो भी है, तो आगे वाला प्लानेट आपको बताएगा आपको यह अभी जाना है आगे, तो इसका रिजल्ट आपको 90% मिलेगा, इसका 25% मिलेगा। ठीक है, हाँ इसमें तो 12th आप 2 12 जैसे आप बोल रहे हैं, तो जो थर्ड हाउस है दैट विल रिप्रेजेंट 12th, हाउस एंड में जो जी। फाइव, नहीं, जैसे आप 2 12 बोल रहे हैं ना, तो ये तो अभी है, इसको आपने एज अ क्लास लिया है, इसको इसका जो पास्ट है जो 25% रिजल्ट देगा वो इसका 12th हाउस हुआ ना, हाँ, ये इसका 2 12। यहाँ पे देखेंगे हम, ये जिस भाव में है उसके पीछे वाला, उसके इसका पीछे ये वाला भाव देखेंगे हम। यहाँ भावों का महत्व नहीं है, यह राशियों का महत्व है। इसके पीछे यानी 12वां हो गया ना, ये 12वीं, ये ठीक है, आगे वाला दूसरा हो गया। अच्छा ये यहाँ काउंट ठीक कैसे होगा, हमेशा एस्ट्रोलॉजी में ये यहीं से जिस प्लानिट की हम बात कर रहे हैं ना, उसी से शुरुआत होती है। ये एक फिर दो, इस तरह से। तो ये आप काउंट करते जाओगे तो यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। तो इसको 2-12 की युति कहते हैं या 2-12 की नाड़ी लिंक कहते हैं। अभी सपोज करें हम इसकी बात कर रहे हैं, इनकी, इस प्लानेट की, केतु की। हाँ, तब केतु के 2 में तो इतने 3 प्लानेट है, आगे का 2 हो गया ना, और 12 में कुछ नहीं है, तो इस युति का कोई महत्व नहीं है। या तो फिर इसको हमने देखना है, सिर्फ इसके बारे में बात करनी है। फिर ये 2-12 की युति हो गई। इस प्लानेट की हम बात करें पर्टिकुलर मर्क्यूरी की, तो उसके 2 में क्या है सन और 12 में क्या है केतु। नहीं समझे आप, सबको समझ में आ रहा है। सर, इसमें यहाँ एक बात ये पूछनी है कि 2 12 की युति ही मानी जाएगी, अगर 12वें में कोई नहीं है प्लेनेट तो वो केवल 2 की युति रह जाएगी या जी, वो दो खत्म हो गई होगी? दो की युति का फिर उसको रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ केतु में देखिए, केतु में 12 में कुछ जी नहीं है ना, जी 2 में है, तो ये 2 और ये 12, तो 12 में नहीं है तो उसको लेंगे नहीं हम। सिर्फ युति को अच्छा कहा जाता है 2-12 की युति। ये 2 में है तो 2 का कॉम्बिनेशन को हम लेंगे, जी बराबर। 12 में नहीं है तो नहीं लेंगे जी। जी अब यहाँ देखिए मार्स को, मार्स में 2 में हाँ कोई नहीं है मगर 12 में जी सूर्य है, तो इस दोनों की जी युति को हम लेंगे। मार्स कहाँ से होके आया है, यहाँ से होके आया है, यहाँ जाना है उसे, तो 2 में कुछ नहीं है, तो ये युति को हम देखेंगे यहाँ। तो उसने पास्ट में क्या किया, कहाँ से आया वो, ये 2-12 की युति को कहा जाता है। तो 2 की युति है तो 2 की युति लें, दो ये 12 की युति है तो 12 की युति लें, और दोनों है तो दोनों लें। तो किस तरह से हमें स्टडी करना है वो हम आगे आगे देखते जाएंगे। सिर्फ अभी सर आप ये उसके ग्रामर को समझ लें कि कौन से बिंदुओं को हमें लेना है, युति किसको कहते हैं। ठीक मेरा है, ये तो प्रश्न एक तो ये युति हो गई, एक 2 और 12 वाली युति हो गई। ठीक है, अभी तीसरी है जो हमने ट्राय देखा, त्रिकोण 1 5 और 9। ठीक है, तो आप अभी सन को ही लीजिए आप, तो सन सन से 5 चलिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना अच्छा राकेश जी। जी सर ये 5 में कौन सा है, राहु। तो यहाँ सूर्य राहु, और राहु की युति हम मानेंगे। अच्छा फिर 9, तो ये 5 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया, 5 हो गया, और फिर 6 7 8 और 9, तो 9 में कोई नहीं है, तो जी अच्छा युति क्या हुई, सूर्य और राहु की युति हो गई। यहाँ पे 1 5 और 9 में, 1 और 5 में प्लानेट है, 9 में नहीं है, तो 9 में हमने नहीं लिखा, तो ये 1 5 9 का ट्राई बन गया। तो उसमें
युति कौन सी बनी? एक सूर्य और राहु की। समझ में आया इतना जी गुरु जी? इसका जो इफेक्ट रहेगा, इसकी असर रहेगी, वो 75% होती है रिजल्ट में। अभी सिर्फ आप उसे नोट करते जाएं, फिर हम उसको जब यूटिलाइज करेंगे ना, तब हम प्रैक्टिकली उसको देखते जाएंगे। अच्छा सर, अगर नोट रखा पांच की, इसमें पांच में नहीं होता, अगर नवे में होता तो भी, तो वो भी युति नहीं, 75% उसका भी इफेक्ट रहा। हाँ, अभी मान लो राहु पांच में नहीं होता और आठ में नहीं, आठवीं राशि में नहीं है और बारहवीं राशि में, मान के चले राहु यहाँ पे नहीं, राहु यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, तो भी इसकी युति हो जाएगी, सूर्य और राहु की युति होगी। ये ट्राई में आ गया, ट्राई में जितने भी प्लैनेट आ जाएंगे उसकी युति हो जाएगी, एक पांच और नौ में जितने भी प्लैनेट आएंगे, यहाँ कितने प्लैनेट है, सूर्य और राहु ये, और कोई नहीं है यहाँ, तो ये दोनों की युति मानी जाएगी। इसका असर जो है 75% होता है, ठीक है जी। उसी तरह से दूसरी कौन सी युति मैंने आपको लिखवाई थी राकेश जी? दो छः दस, दस ना, छः दस। हाँ, अभी दो छः दस में हम देखेंगे, अभी हम यहाँ सूर्य को ही लेंगे जी। सूर्य किससे दो कौन है? मार्स, मार्स जी। फिर छः, ये दो तीन पांच छः, तो मून मार्स। हाँ, फिर सात आठ नौ दस, दस में कोई नहीं है, नहीं है, तो युति कौन सी बन गई? मार्स और ये, समझा जी? ये युति इस तरह से बनेगी। अभी अब राहु को पकड़ ले, यहाँ राहु का एग्जांपल लेते हैं, तो राहु से आप ले, एक दो तीन चार पांच, पांच में कोई नहीं है जी। फिर छह सात आठ नौ, तो राहु से मिलेंगे तो नौ में सूर्य आ गया, तो राहु और सूर्य की युति बन गई ना, यहाँ तो कोई नहीं है पांच में। समझ रहे आप किस तरह से बनाना है? और उसमें एक और सात की युति भी होती है, एक मानो हम जुपिटर ले रहे हैं यहाँ, सात यानी अपोजिट हो गया ना, एक दो तीन चार पांच छह सात, जैसे सातवीं दृष्टि हम देखते हैं ना वैदिक में राकेश जी। हाँ, ये भी हो गया, तो ये जुपिटर और राहु की युति हो गई, ये मार्स की युति हो गई आमने सामने, सातवा, एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी अपोजिट सामने वाला घर, तो ये भी युति हो गई। हाँ जी, एक साथ की युति भी मानी जाएगी ये। कोई इसे 50% में भी लेता है, कोई 75% में भी लेता है, ठीक है। आगे आगे जैसे हम यूज होते जाएगा, हम इसको प्रिडिक्ट करते जाएंगे, मगर अभी आप देख लो सिर्फ ये जो होती है ना युतियां, किस तरह से हम देखेंगे आगे उसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। एक ही राशि में बैठे हुए दो से ज्यादा प्लैनेट, जैसे कि ये है, ये एक युति हो गई, 100% रिजल्ट आएगा इसका। फिर दो वाली युति है, अपने से आगे वाले प्लैनेट से भी युति आएगी, ये 90%। फिर 12 अपने पीछे वाला प्लैनेट कोई भी है, 25%, ये 25%। फिर ट्राई जो होता है, एक पांच नौ दो छह दस, इसका 75% रिजल्ट मिलेगा, और एक और सात का भी आप 75% मान के चलें, ठीक है। ये युतियां हो गई गुरु जी। जी मैं प्रभा बात, ये जो ये आप बता रहे हैं ये बारहवा नंबर है, ये दूसरा है, लेकिन इसमें तो ये नंबर कुछ और लिखे हुए हैं, ये क्या है? कौन सा जो नंबर, ये सब नंबर अलग अलग लिखे हैं, जैसे यहाँ पे ये इसमें सूर्य वाले में आपको जी। आप जो नंबर बता रहे हैं राशियों के, ये नंबर की बात बता रहे हैं आप? जी जी। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि मान लो हमें सूर्य की बात करनी है यहाँ, ठीक है। सूर्य यानी पिता, हमने जैसा भी कारक तत्व देखा, हमें इस चार्ट वाले के पिता के बारे में जानना है मानो जी, तो हम सूर्य से देखेंगे भाई इसके साथ कौन सी युति है, तो इसके पीछे कौन है ये, इसके आगे कौन है ये, तो ये जो प्लानेट है यहाँ से होके यहाँ आया है, यानी इसका पास्ट बहुत अच्छा गया है, विनस पैसा मेहनत भी कारोबार एजुकेटेड एजुकेशन व्यापार सब कुछ इसके पास होगा, वो तो यहाँ आया है, अभी आएगा इसको मिलेगा, तो उसका भविष्य कैसे होगा, तो इसके जैसा होगा। मार्स है तो मार्स स्ट्रगल कराएगा,
तो इस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे, ये युतियां बन गई, तो इसकी युति राहु के साथ है, समझे आप? इस तरह से यहां से इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। फिर जो आगे युति जो मैंने आपको राशियां बताया ना, 1, 5, 9, अब यहां से देख, यदि कोई प्लानेट यहां बैठा हुआ है, मान लो कोई प्लानेट यहाँ पे है एक में, तो उसको उससे पांचवा कौन सा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया ना। फिर 6, 7, 8, 9 हो गया, ठीक है। तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं जिस राशि, क्योंकि ऐसा जरूर नहीं है कि जिस प्लैनेट की आप बात कर रहे हैं वो एक नंबर में बैठा हो या 5 नंबर में बैठा हो, वो तो कहीं पर बैठ सकता है ना। हाँ, कहीं पर बैठ सकता है ना, वहां से हमें काउंट करना है 1, 5 और 9। ठीक, गॉट इट, समझ आ गया, धन्यवाद सर। इसमें एक सवाल था, ये जो सन सन 4, 8, 12 में सन और राहु साथ में है, तो जो ये शुक्र शनि और बुध है उसको राहु भी मिलके आगे आया होगा, ऐसा हो सकता है? मैं समझा नहीं, आप फिर से बताइए। ये सूर्य जैसे 4, 8, हाँ 4, 8, 12 में सूर्य राहु साथ में है सर, ठीक है ना सर? सूर्य हाँ, और राहु की युति साथ में सर। हाँ जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था जो उस अब सूर्य के पहले ये जो शुक्र शनि और बुध, तो राहु इनको भी मिलके आगे आया होगा, ऐसा हो ये सकता है? इनको मिलके आया है, ये इनकी युति है, खाली सूर्य गिर। हाँ जी, हाँ, अब हम तो राहु भी उनको विद रिस्पेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य की बात कर रहे हैं यानी उसके पिताजी की बात करें, तो इनसे मिलके आया है, ये युतियां इनसे हो रही है ना, इनसे इनकी युति नहीं कर रहे हैं हम अभी। ये किन से मिलके आया, ये पीछे कोई नहीं है, राहु यानी दादा, इनके दादा के बारे में जानना है तो इसको देखेंगे हम। हाँ, समझे आप? तो दादा के बारे में जानना है तो दादा सूर्य शुक्र से मिलके आए हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, दादा ना? दादा इससे मिल के जाएंगे यहाँ से, ऐसा इस तरह से आगे जाके वो मार चंद्रमा से मिलेंगे, फिर इस तरह से जाएंगे, ओके समझे? ओके ओके, मतलब 2-12 के रिलेशन में हम जो पर्टिकुलर ग्रह है उसी को उसी को करेंगे। देखेंगे, ये हम अभी बेसिक पे चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, फिर वो पूरा एक एक आपके परते खुलते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा एक साथ में। अभी आप लास्ट वाला प्रश्न जो बीच वाला कर लोगे ना, कुछ लोग नए हैं उसको समझ में नहीं आएगा, आपने शायद जानते हो इसलिए आप ये प्रश्न करो, मगर दूसरों को वो समझ में नहीं नहीं सर, मैं हाँ आपके बात में समझ गया, थोड़ा सा बिजी के जानता हूँ, ज्यादा नहीं, आपका प्रश्न में समझ गया, मगर अभी एबीसीडी चल रही है ना, थोड़ा एबीसीडी पढ़ लें, फिर उसको हम कॉम्बिनेशन लाएंगे, A+A, आ समझ गया मैं क्या बताने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? फिर आगे आगे हम थोड़ा क्वेश्चन आंसरिंग करते रहेंगे, अभी जो मैं आपको बेस दे रहा हूँ उसको आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, समझते जाइए, फिर आगे सेशन है हमारे पास, उसमें हम क्वेश्चन आंसरिंग करते जाएंगे, ठीक है जी? तो ये युतिया समझ में आ गई आपको, किस तरह से हमें देखना है जी। मैं रिपीट कर दूं एक बार, एक ही राशि में बैठे हुए प्लैनेट एक या एक से अधिक जो है वो युति है, जैसे ये है, ठीक है। फिर दो अपने से आगे और अपने से पीछे, ये भी एक युति बनती है, इसे नाड़ी लिंक कहते हैं। फिर 1, 5, 9 त्रिकोण जिसे कहते हैं, यहां से अपने से 1, 5 और 9, इसमें जितने भी प्लानेट आ गए उसकी एक युति बन जाती है, उसकी एक लिंक बन जाती है, वो एक परिवार बन जाता है। तो वो जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको, वो पूरा साथ में मिलेगा, जैसे सूर्य और राहु का रिजल्ट मिलेगा यहाँ आपको, समझा? फिर 1 और 7 की युति आमने सामने, जैसे हमने यहाँ बात की, या चंद्रमा की बात कर लो, चंद्रमा के सामने ये हो गया ना यहाँ, तो ये एक युति हो गई चंद्रमा की, इनके साथ युति हो जाती है, जब चंद्रमा की बात करें तो इसके साथ युति हो गई। तो वो युति को हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से डिकोड करना है, वो हम आगे देखेंगे, मगर युति किस तरह से बनती है, लिंक किस तरह से बनती है, वो सब पहले आप समझ लीजिए, ठीक है? गॉट इट? आपको अभी सिर्फ लिंक समझना है, आगे जाके हमें उसको किस तरह से डिकोड करना है, यूटिलाइज करना है, वो हम धीरे धीरे आगे करते जाएंगे, एक एक चार्ट लेके करेंगे, मत पहले आप बेस समझ लो, ABCD पहले आप सीख लीजिए पूरा, कि ABCD, ए के बाद बी आता है, CD, इस तरह से हम पूरा सीक्वेंस समझ ले। पहले हमने कारक तत्व देखे, फिर ये युतियां देखी, ठीक है? तो सर, इसको हम नाड़ी लिंक कह सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना, 1, 2, 2, 12, 1, 7, ये लिंक है, इंटरनल लिंक है नाड़ी, इसे नाड़ी लिंक भी कहा गया है और इसे युति भी कहा गया है।
उस पर फिर इसका मतलब यह है कि राहु केतु की तो युति हर समय रहेगी, राहु केतु की नहीं, युति। उसकी युति नहीं गिनी जाएगी, वो तो हर में आमने सामने ही रहेंगे, उसकी युति को अच्छा गिना नहीं जाएगा। और उनका जो राहु केतु का जो प्रिडिक्शन जो भी है वो हम आगे धीरे 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 आगे हम करते जाएंगे। ये युति आपको इतना समझ में आ गया लिंक? सर वो समझ में नहीं, मतलब 1 5 9 सबका 1 5 9 ही देखना है, 2 6 10 कुछ नहीं देखना है, नहीं कोई नहीं भी जो प्लानेट है। हाँ जो प्लानेट में आता है उसे हमें देखना है, जहां जो जरूरत पड़ेगी वो हमें किस तरह से नहीं, देखना है। नहीं, जो दृष्टि होती है वो नहीं देखना है, दो नहीं, तीन नहीं, सात दस ऐसा नहीं, 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 वो भूल नहीं। जाइए। नहीं, वो भूल जाइए, वैदिक को भी अच्छा आप भूल जाइए, वो नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, अच्छा सिर्फ इतना ही याद रखना है, अच्छा इतना आ गया तो आपको BNN आ गया। एक तो अच्छा कारतत्व, मतलब एक एक पहले सुन लीजिए, एक आपको कारतत्व आने चाहिए कि पिता है तो हम क्या देखेंगे, तो सूर्य को देखेंगे, दादा के बारे में जानना हाँ, है राहु को देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पहले तो जो कारण तत्व प्लैनेट, माना होना चाहिए, फिर अच्छा ये अच्छा लिंक, ये जो युतियां मैंने आपको बताई, लिंक आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सा प्लैनेट की लिंक बन रही है। अच्छा मतलब जो प्लैनेट जहां बैठा है वहां से आगे पीछे देखना है आगे पीछे उसके कार देखना तत्व है। के हाँ हिसाब से, एक जी, 5 9 का, 1 5 9 का। अभी मान लो मुझे हाँ जो अभी चार्ट था उसमें किसी का एजुकेशन देखना है, यानी बुध को देखा, यानी अच्छा व्यापार देखना है बुध को, तो हम बुध प्लानेट राइट कहाँ बैठा है वो देखेंगे पहले, उसके साथ हाँ कौन कौन बैठा है वो देखेंगे पहले, युति कौन सी होगी, उसके साथ कौन कौन सा बैठा है, तो इसके साथ कौन था, विनस था, ठीक है। जो भी हाँ प्लानेट है उसको हम पहले करेंगे देखेंगे, उसके बाद में उसके आगे यानी दूसरा और बारवा कौन है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ठीक में है 1 5 9 में कौन से प्लानेट आते हैं, 1 7 में कौन से प्लानेट आते हैं, 3 11 में कौन से प्लानेट आते हैं, वो हम बारी बारी देखेंगे, चेक करेंगे, उसको किस तरह से देखना है वो हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ अच्छा उसके दो दो दूसरे भाव मतलब अगले में कुछ भी नहीं है, पिछले में 25% है तो अगले में हाँ तो 90% रिजल्ट है, तो इसमें कुछ भी प्लैनेट नहीं हो तो। तो कुछ नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं है तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, और पीछे अच्छा है तो उसका रिजल्ट कैसा होगा वो हम देखेंगे, और पीछे कौन से प्लानेट है वो हम देखेंगे, मैलेफिक है या पॉजिटिव प्लानेट है, पॉजिटिव प्लानेट है तो उसका पास्ट अच्छा गया होगा, समझ लें आप, अच्छा पॉजिटिव प्लानेट पीछे हैं, जैसे कि गुरु है, शुक्र है, उस तरह से प्लानेट उसके पास्ट में है तो उसका पास्ट अच्छा गया होगा। आगे यदि मतलब है शुभ 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 ग्रह है प्लानेट, उस। शुभ ग्रह यदि आगे है तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छे जाने वाला है, पास्ट में, हाँ यदि पास्ट में मानो शनि राहु केतु मार्स है तो वो बंदा स्ट्रगल करके आगे आया है, तो उसे हमें किस तरह से देखना है वो हम आगे जाएंगे, ये प्रश्न थोड़ा आगे का है। हाँ पूरी अच्छा कुंडली मतलब वो गोचर से ही देखेंगे और सब कुछ दशा महादशा देखेंगे, कुछ नहीं देखना। दशा वशा सब भूल जाएं, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी टेक्निक है यहाँ, अच्छा ना तो दशा का झंझट है ना कुछ झंझट है, आपको सिर्फ इसमें कारण तत्व आप रिजल्ट। याद रखें, सिर्फ अच्छा कार्य तत्व याद रखें, आप सबके चार्ट लिए जाएंगे, लाइव एनालिसिस होगा, अब भी आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है और फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा, क्या होगा वो तो बात की बात है, मगर आपके साथ जो पास्ट में हुआ है वो तो आपको पता है ना, कि मेरे साथ 1 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, हेलो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे माँ बाप के साथ सर, क्या आपका हुआ। वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप तक? यस मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आपके उसमें प्रॉब्लम है, चेक आ रही है। करो। हाँ सर हाँ तो नॉट ओनली फॉर यू, आपके मामा चाचा चाची, आपकी बहन, आप जो भी आपके रिश्तेदार है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो एक ही आप ही के चार्ट से सिर्फ बता सकते हैं अच्छा, हम, इसमें तो डिसीज नहीं पिछले क्या बताए हुआ ना। है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ यहाँ मिलेगा, डिसीज भी अच्छा डिसीज मिलेगा, का डिसीज। सब अच्छा कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे अब आगे चलें। हाँ यहाँ तक कि पिन पॉइंट आप बता सकते ओके हैं कि किसी की मृत्यु कब हो सकती है, हम बताएंगे नहीं किसी को, वो देखिए खड़े हो गए, जाने वाले खड़े हो गए, कुछ ही साल बाकी है राकेश जी, आप खड़े हो या बैठ जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 साल कितने साल बाकी है तीन साल थे सर, 1 साल तो निकल गया। ना, भी 2 3 साल बाकी है बस, कोई वादा नहीं, मजा करें, सब कुछ हो गया है, ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दे दिया है स्वर विज्ञान में,
आप करना चाहे तो कर सकते हैं, काल से महाकाल। तो इस तरह से हम एक ही चार्ट से, एक ही कुंडली से अपने पूरे खानदान को देख सकते हैं, उसके साथ क्या क्या हुआ है। आपके चार्ट देख के मैं बता सकता हूँ कि आपके मामा के साथ पिछले सालों में क्या हुआ है, आपके चाचा के साथ क्या हुआ है, आपके बेटों के साथ क्या हुआ है, या अभी क्या हो रहा है, आप देख सकते हो। आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो एक बार बता दूंगा एक चार्ट में, फिर आप सब करोगे और 100% अच्छा साइड उस सॉल्यूशन, प्लेसिंग करेंगे। उसका तो सॉल्यूशन, अच्छा उसका सॉल्यूशन भी, जी सॉल्यूशन भी है सब, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो उसमें बिगनर होते हैं, जेमस्टोन, मतलब जेम सर इसमें जेमस्टोन कोई ऐसा कुछ नहीं आएगा, नहीं नहीं ऐसा जेमस्टोन कुछ नहीं, फेवरेबल? अच्छा वो पहनना चाहे अलग बात है, मगर इसमें नहीं है। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है सर, किसका क्वेश्चन है भाई? अजय, अजय जी आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ सर आवाज आवाज सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 1-5-9 का ट्रेन, 2-6-10 का ट्रेन, 3-7-11 का और 6-12 का, ये कब कब दिखना है? मतलब कि 2-6-10 का कब देखना चाहिए, 1-5-9 वो हम का आगे ट्रेन कब आएंगे देखना प्रैक्टिकल चाहिए? चार्ट पे अजय जी, अब इनिशियल अच्छा, और स्टेज पे दूसरा हैं। चीज, सिर्फ मैंने आपको अभी युतियां और बता दी है, दूसरा, इस तरह से लिंक बनेगी। 1 मिनट, हाँ इस तरह से लिंक बनेगी। हाँ अभी उसको किस तरह यूटिलाइज, कौन से कब करना है, वो हम आगे आगे देखते जाएंगे। प्रैक्टिकल चार्ट पे मैं अच्छा आपको, सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये लग्न चार्ट से देखना है या भाव चलित में के चार्ट से देखना है, लग्न क्योंकि चार्ट भाव ही चलित में रहेगा। ग्रह बदल जाता है, नहीं हमें लग्न लग्न चार्ट ही रहे। चार्ट ही, एक ही चार्ट हमारे सामने रहेगा, जिसे जन्म चार्ट अच्छा कहते हैं, लग्न चार्ट कहते हैं, और कोई नहीं रहेगा, कुछ नहीं चार्ट अच्छा रहेगा। सर और ठीक, एक समय फिर आगे जाके हम चार्ट को भी हटा देंगे, विदाउट चार्ट आपको प्रिडिक्शन करना है। किसी के प्रश्न से कोई आपको आके ऐसा कहता है कि मैं विदेश कब जाऊंगा, मेरा बेटा विदेश कब जाएगा, तो आपको उसी जी समय विदाउट एनी क्वेश्चन, वो कुछ नहीं करना है, ना कुंडली है आपके पास, ना कुछ है, सिर्फ आपको नोट डाउन कर लेना है क्या क्या बोला उसने, और आपको आंसर दे देना है। 2 मिनट का काम है, कुंडली की भी जरूरत नहीं है, वो भी हम आगे आएंगे। नहीं तो केपी को तो भूल ही जाना है अभी, ऐसा है ना? केपी बेस है ना, केपी अच्छा एक अलग, केपी एक अलग है और बीएनएन अलग है। जिसको इस फील्ड में आगे जाना है ज्योतिष में, उसे केपी का और बीएनएन का नॉलेज होना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद फिर आप जेमिनी करें, पराशरी करें, जो भी करें, वो तो समुंदर है, उसमें बरसों लग जाते हैं प्रैक्टिस में। और यहाँ ये सॉल्ट में आप बता सकते हैं किसी को, यहाँ तक बता सकते हैं, आपने उसको बंदे को देखा नहीं, यहाँ तक आप बता सकते हैं कि आपके घर में आज ये हो रहा है, आपके साथ ये होगा, या आपके साथ ये हुआ है, आपके भाई के साथ ये हुआ है, आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, ठीक है। यहाँ दशाओं का कोई मेल नहीं है, सिर्फ आपने गोचर देख लिया, प्लानिट देख लिया और बता दिया कि आपके साथ अभी ये होने वाला है, इतना सिंपल है। और आप सब करोगे, ये आपकी डेली प्रोडक्शन आप खुद निकालोगे एक दूसरे के सामने सामने। आप ही को प्रश्न जी करना है, आप ही को जवाब देना है, जवाब देने वाला भी सामने होगा, प्रश्न करने वाला भी सामने होगा। एक चार्ट हम लेंगे एग्जाम्पल, हाँ हर एक का चार्ट लेंगे, किसी किसी को डिजीज है उसका भी चार्ट लेंगे, आपको क्लिक करना है, आपको रेमेडी देनी है, ठीक वेरी गुड। है। नरेश जी सर आपने जो, हाँ जी सर, आप हो सके तो मुखौटा निकाल दीजिए, फिर बाहर सर है। एक हाँ सेकेंड, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, सर मिस कर गया। उससे क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप, आपका नुकसान कर रहे हैं, आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं दोस्त। नहीं सर गलती से हो गया। नहीं राहु यानी मुखौटा होता है, तो यहाँ क्या होता है, आप भटक जाओगे और कुछ नहीं है। राहु एक्टिव होगा ना, वो भटका देगा आपको माइंड के, कई सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे, अरे वो तो ये कह रहा था, ये तो ये कह रहा था, और ये सर ये कह रहे हैं, तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे, क्योंकि राहु है ना मुखोटा होता है। इसलिए हो सके तब तक, कुछ इमरजेंसी में है या कुछ गेस्ट बैठे हैं अचानक आ गए, आपको कैमरा बंद करना पड़ा, वो एक अलग बात है, या कुछ इस तरह से आप बाहर हैं तो ठीक है, हो सके तब तक कहीं पर भी आप आए, किसी के साथ भी आप हो, तो कैमरा चालू रखें ताकि उसमें आपको फायदा है ना। आप जी कैमरा सर, बंद करोगे, मुझे कोई उसमें नुकसान नहीं है, मैं तो अपना काम करके निकल जाऊंगा, मगर आपको राहु एक्टिवेट कर दे रहे हैं, यहाँ राहु एक्टिवेट हो जाता है, राहु एक्टिवेट हो जाता है ना, वो फिर कंफ्यूजन में डाल देता है हमें, ठीक
ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा मिले यहाँ। जी सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ बताइए। सर, जैसे अभी आपने युति के रूल लिखवाए 1, 7, 2, 12 ट्राइन और युति एक ही ग्रह में, सर जब आप बता रहे थे ना तो आपने 3, 11 भी बोला था, तो हाँ जी, सर 3, 11 भी होगा क्या? हाँ जी, 3 11, 3 7 11 होती है, 3 11 हो गए, एक साथ हमने ले लिया ना, 3, 7, 11 3 7 11 हो गए ना, ट्राई में देखिए तो 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, नहीं हायर और थर्ड हाँ, और बॉटम। एक और साथ, ओके एक और साथ, तो 3 3 11 इसलिए बोला कि 7 तो आ गया एक साथ, इस तरह तो ठीक ट्राइन है जो होता है ना, ठीक है त्रिकोण जो बन जाता है ना, त्रिकोण जो बनता है वो जी इस तरह, फिर हम आगे आगे डिटेल में और जाएंगे, तत्व भी आएगा उसमें त्रिकोण में, जिसने अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु किया उन्हें पता है 1 5 9 4 8 12 कौन सा तत्व है क्या है, वो जी एक बिल्कुल सब, मैंने भी किया सर आपसे जी हाँ किया है ना, हाँ, तो उस तरह से उसमें एक ही फीमेल हो जाती है, फिर 4 8 12 तो जल तत्व हो गया, एक दिशा हो गई वो नॉर्थ वाली, उसमें जितने भी प्लैनेट आते हैं उसका अपना एक रिजल्ट है, एक फीमेल ही है, वो किस तरह से रिजल्ट हमें देंगे वो हम आगे आगे देखते जाएंगे। ये जो ट्राई जो बन गया ना पूरा, जैसे 1 5 9 तो एक त्रिकोण बन गया, वो उसका अपनी एक दिशा है इष्ट, तो ये जो एक पूरा फैमिली है वो किस तरह से रिजल्ट दे रहा है, उसके अंदर कौन से प्लैनेट है 1 5 9 में, और वो क्या रिजल्ट हमें दे रहे हैं वो हम फिर आगे आगे देखेंगे, वो थोड़ा एडवांस जैसे जैसे हम इसमें सीखते जाएंगे ना, फिर आपकी पकड़ उसमें मजबूत होती जाएगी, फिर आप खुद प्रिडिक्ट करते चले जाओगे रोज 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 रोज, नया नया कुछ हम ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है राइट सर और एक टॉपिक है मैं आपके साथ में शेयर कर दूं, जो प्लानेट हमारे होते हैं ना, नौ है तो कोई दोस्त है कोई दुश्मन है, ये सब आप जानते हैं, जैसे इंसान में भी होता है ना दोस्त दुश्मन, जनरल भी होता है, दो झगड़ते हैं तो कोई एम्पायर आता है रेफरी बीच में, तो उसी तरह से प्लानिट जो होते हैं वो भी दोस्त दुश्मन होते हैं, तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, जी सर हाँ, प्लानिट फ्रेंडली एनिमी और नेचुरल, तो सूर्य के साथ देखिए आप, ये लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, सूर्य का, सूर्य का फ्रेंडली सर कौन है, मर्क्यूरी, मून, जुपिटर, मार्स, ये फ्रेंडली है सूर्य के, इसके दोस्त है मर्क्यूरी, मून, जुपिटर, मार्स, दिख रहा है सबको, जी सर एनिमी है राहु, सैटर्न, विनस, राहु शनि शुक्र ये उसके एनिमी है, और न्यूट्रल कौन है, केतु है, ये अच्छा भी नहीं है खराब भी नहीं है, सूर्य के साथ, हाँ उसी तरह चंद्रमा मून, सूर्य, मार्स और जुपिटर, सन मार्स जुपिटर ये उसके फ्रेंडली है, मार्स मून के एनिमी कौन है, राकेश और विनस, न्यूट्रल मर्क्यूरी, थोड़ा पी लो। उसी तरह जुपिटर जो प्लानेट है उसके जो फ्रेंडली जो है वो सूर्य, सन, मार्स, मून, सैटर्न ये उसके फ्रेंडली है जुपिटर के, फिर राहु, मर्क्यूरी और केतु ये एनिमी है उसके दोस्त दुश्मन है जुपिटर के, विनस जो है वो नेचुरल न्यूट्रल है, उसी तरह मार्स के लिए सन, मून, जुपिटर, विनस ये दोस्त है उनके, फ्रेंडली है, एनिमी है मर्क्यूरी, सैटर्न और राहु ये उसके एनिमी है दुश्मन है, केतु जो है वो न्यूट्रल है, उसी तरह विनस जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी और सैटर्न फ्रेंडली है, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न, फिर एनिमी है सन, मार्स, सॉरी मून और केतु, राहु न्यूट्रल है, फिर मर्क्यूरी प्लैनेट उसके जो फ्रेंडली है सन, जुपिटर, वीनस और शेटन,
एनिमी है मून, मार्स, केतु और राहु जो है वो न्यूट्रल है मर्क्यूरी के लिए, सैटर्न शनि, जुपिटर, विनस, मर्क्यूरी ये फ्रेंडली है, एनिमी है मार्स, केतु, सन, मून और राहु न्यूट्रल है। उसी तरह राहु के लिए जो उसके फ्रेंडली ग्रह है प्लैनेट है वो विनस, सैटर्न और मर्क्यूरी, एनिमी है सन, मून, मार्स। सन, मून, मार्स एनिमी है, दुश्मन है उसके, और जुपिटर जो है वो न्यूट्रल है राहु के लिए। उसी तरह केतु, सन, मून, जुपिटर, मार्स ये फ्रेंडली है, और मैं ग्रुप में डाल दूंगा राकेश जी, मर्क्यूरी, विनस, सैटर्न आप लिख लें पहले, मैं ग्रुप में ये इतना डाल दूंगा। हाँ, विनस, मर्क्यूरी, विनस, सैटर्न ये एनिमी है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये बेसिक कुछ नॉलेज है। दोस्त दुश्मन ग्रह आप याद रखें, लिंक याद रखें और कारक तत्व, बस इतना ही आपको याद रखना है, उसमें से पूरा आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं सब कुछ, ये बेस है। इतना ही है भृगु, नंदी, नाड़ी, इसके अलावा एक शब्द भी बाहर से नहीं है। गॉट इट, समझ में आया सबको? इतना ही भृगु, नंदी, नाड़ी है। अब जो हमने आज सीखा है उसको हम आगे 12, 13 या 15 क्लास में किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, अलग 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 जगह पे, अलग अलग स्टेप पे हमें उसको किस तरह से देखना है वो हम बस सिर्फ देखेंगे, कौन से युति किस तरह से काम करती है, कौन से कारक तत्व है, ये हम आगे आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे। जो मूल जो है जिसे हम कहते हैं, कोई भाषा होती है तो उसके लिए, जैसे इंग्लिश है तो उसके लिए एबीसीडी है ना, वर्णमाला होती है ना, जैसे हमारी हिंदी है तो क, क, ग है, बस उतना आ गया तो फिर आप भाषा, फिर वो प्लस माइनस कर सकते हैं ना, जोड़ के बना सकते हैं ना, शब्द को बनाएंगे, शब्द से फिर सेंटेंस बनेगा पूरा, उसी तरह बस ये खेल इतना ही है, ये भृगु, नंदी, नाड़ी है, उससे आगे कुछ नहीं है। अब इसको कहां किस तरह से यूज करना है वो हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। अभी जो है आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है, नेक्स्ट सेशन जो है परसों, उसमें हम युतियां देखेंगे। युति यानी जैसे हर एक दो प्लैनेट की अपनी युति होती है ना, मान लो सूर्य और चंद्र है तो वो युति से हम क्या देखेंगे, उसका रिजल्ट क्या आता है, सूर्य मंगल है, सूर्य बुध है, युतियां तो बनेगी ना प्लैनेट के आगे, तो उसको हम किस तरह से देखेंगे, उससे हम क्या क्या देखेंगे, वो युतियां हम पहले अभी अगले दो या तीन क्लास में देखेंगे। तो जो क्लासेस रहेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन रहेंगे, वीक में तीन दिन रहेंगे, आज है, फिर परसों रहेंगे, बुधवार को, फिर फ्राइडे को रात 9 बजे रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम युतियां देखेंगे, यानी हर एक प्लैनेट, 9 प्लैनेट है, हर एक की अपनी अपनी युति होगी, सूर्य की चंद्र के साथ, सूर्य के मंगल के साथ, सूर्य के बुध के साथ, उसी तरह चंद्र के सूर्य के साथ, बुध के साथ, मंगल के, हर एक प्लैनेट की युतियां हम पहले नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, उसको समझेंगे उसको, उसमें हमें क्या देखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सूर्य और चंद्र की युति है मान लें, तो सूर्य यानी पिता, ठीक है, हमने देखा ना कारक तत्व में सूर्य यानी पिता और चंद्र यानी इमोशन, पिता इमोशनल होंगे, गॉट इट, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, किस तरह से हम देखेंगे उसको। सूर्य प्लस विनस मान के चले, ऐसी युति आ गई, सूर्य पिता है, विनस पैसा है, पिता के पास पैसे होंगे, फिर वो डिग्री वाइज है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा डिग्री में क्या फर्क है। सूर्य चंद्र की युति में, सर सूर्य चंद्र की युति में माता गुस्से वाली भी हो सकती है। हाँ हो सकती है ना, वो मैं अभी सूर्य की बात कर रहा हूँ, चंद्र सूर्य की युति में हो सकता है,
चंद्र सूर्य की युति में माता गुस्से वाली हो सकती है, सूर्य चंद्र की युति में पिता इमोशनल हो सकते हैं। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि सूर्य चंद्र की युति है या चंद्र सूर्य की युति है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको माता के बारे में जानना है तो चंद्र को आप देखोगे। अच्छा सर, पिता के बारे में जान रहे हैं तो पिता के बारे में आप देखोगे। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ रहा, समझ रहा। सूर्य प्लस बुध, पिता एजुकेटेड होंगे या पिता का बिजनेस होगा या पिता के पास फ्लैट होगा, बुध यानी फ्लैट, घर के बारे में देखें तो फ्लैट होगा, हो सकता है एजुकेटेड हो सकते हैं, पिता व्यापारी हो सकते हैं, तो इस तरह से हम युतियां देखेंगे। समझ में आ रहा? शनि प्लस केतु है मान लो, तो उसके पास शनि से आप कोई भी रिलेशन भी ले सकते हैं, या किसी के कुंडली में शनि प्लस केतु की युति है तो उसके पास सरकारी नौकरी होगी, हो सकता है, वो ज्योतिष भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, काफी कॉम्बिनेशन है, उसको हम देखेंगे किस तरह से हम देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे युतियां, जैसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं दोनों प्लानिट का, किस तरह से हम उसको देखेंगे, उस युति को हम किस तरह से डिकोड करेंगे और कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आगे आगे देखते जाएंगे। इस तरह से हमारा सफर आगे बढ़ता रहेगा, अलग अलग पड़ाव पे हम रुकेंगे, पीछे मुड़ के भी देखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, कोई पीछे छूट गया है, 12 मान लो 12 कोच का एक ट्रेन है, कोई पिछले कोच में रह गया, उसको आगे बुला लेंगे ना, भाई पीछे नहीं आगे चलो, तो हम वहां रुकेंगे उसके लिए, मगर सब साथ चलेंगे। हाँ, और जिसको कुंडली के बारे में पता नहीं है, कुंडली देख लें, 12 भाव देख लें, 12 राशियां देख लें, 9 प्लानेट, बस उतना ही आना चाहिए, उतना आपको करना है, बाकी मैं करवाऊंगा। ठीक है, यानी शॉर्ट में आपको घर से थाली कटोरा और एक चम्मच लानी है, उसमें परोसूंगा मैं, भर पेट आपको खिलाऊंगा, जो आप चाहे वो खिलाऊंगा, मगर थाली शर्त यह है कि थाली कटोरा और चम्मच आपका होना चाहिए, कुछ पात्र तो होना चाहिए ना लेने के लिए, कोई देगा तो वो आप उतना लेके आइए, फिर उसमें भर भर के जो आप चाहें वो मैं आपको खिलाऊंगा, चाहे रोटी चाहे पराठा चाहे पूरी चाहे सब्जी मिठाई जो भी चाहें मैं आपको दूंगा उसमें। ठीक है, तो इतना बस आपको करना है। तो चलें, आज के लिए जुदा हो, फिर मिलने के लिए। नेक्स्ट क्लास कब होगी गुरु जी? परसों होगी, कल नहीं परसों होगी, बुधवार के लिए 9 बजे ही होगा, 9 उसके बाद में फिर फ्राइडे को होगी तीसरी क्लास, वीक में 3 दिन होगी, रात 9 बजे, और टाइमिंग तो ऐसा 1 घंटे का होता है, मगर आप राकेश जी हमारे कोई क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होती है, वो खत्म हो ही नहीं सकती सर, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जैसे पूछने वाले काफी लोग होते हैं ना, तो क्लास खत्म होती नहीं है, फिर भी हमारे पास, हमने तो अभी काफी लोग तो आज भी नहीं आए हैं, कुछ लोग, और कुछ लोग रिकॉर्डिंग वाले भी हैं, तो सर हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग देना, टाइम का सुविधा नहीं है, कुछ लोग अब्रोड से भी हैं, तो ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा समय निकलता है, तो चलो ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेते हैं, फिर जो उन्होंने आज हमें दिया है उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देंगे, 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, गुरु सभी गुरुजनों की, पिछले जन्मों के, इस जन्म के, और कुल देवी कुल देवता जो भी आपके हैं उन्हें आप याद करें, आपके पूर्व पितृदेव जो है देवतुल्य उन्हें याद करें, 2 मिनट हम उसको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो ज्ञान हमें दिया है उसको हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएं, किसी का भला कर पाएं, तो आप 2 मिनट आंखें बंद करें।